अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मैंने ना ये अपना चैनल न्यू बनाया है यूट्यूब पर। इस चैनल का नाम है GMT और ये आपको पूरी कंप्लीट मोबाइल इन्फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा। दोस्तों Realme 5s की अनबॉक्सिंग करेंगे कि आप सोच रहे होंगे कि Realme 5 और Realme 5s में क्या फ़र्क उन्होंने निकाला है, शेप सेम ही है, क्या फ़र्क होगा। तो हम इसका आपको फ़र्क भी बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे, कंप्लीट रिव्यू भी करेंगे कि इसमें क्या क्या फीचर एडवांस है Realme 5 से। तो आओ हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। दोस्तों तो हमने ये अनबॉक्सिंग कर ली है इसकी, तो अभी हम इसमें फर्क बताएंगे। पहला पहला फर्क तो ये है कि इन्होंने ना कलर बहुत अच्छा निकाला है इसमें, 48 मेगापिक्सल रखा है। अब इसको हम ऑन करते हैं। ने देखा कि सेट ऑन हो गया है। मुझे थीम वगैरह सब कुछ Realme 5 वाला ही दिख रहा है, क्योंकि मुझे भी कुछ खास चेंजिंग नज़र नहीं आ रही। इन्होंने बस 48 मेगापिक्सल कैमरा करके, और कलर बहुत ही मुझे पसंद आ रहा है, इसका कलर बहुत ही इन्होंने अच्छा निकाला है Realme 5 से। और एक आपको एक मज़े की बात बताऊं कि इसके अंदर Snapdragon 65 रखा है, जो कि बाकी सेटों में, महंगे सेटों में इतना अच्छा प्रोसेसर आ रहा है, इतने कम पैसों में आपको अच्छा प्रोसेसर प्रोवाइड कर रहा है। तो अब हम इसका चार्जिंग देखेंगे, फास्ट चार्जिंग इन्होंने ऑप्शन दिया है कि नहीं। चार्जर 2 एम्पेयर का है इसका, मतलब फास्ट चार्जिंग नहीं है, लेकिन बैटरी टाइमिंग इसकी बहुत अच्छी है। 5000 mAh बैटरी है, 5000 mAh बैटरी की, तो काफ़ी बेटर है। अब इस की साइज क्वालिटी की बात करें तो साइज भी बहुत ही अच्छा है इसका, और हैंड फीलिंग भी बहुत ही अच्छी है इसकी। और इसके अंदर बाकी क्या चीजें हैं वो भी देख लेते हैं। जी हाँ, इसके अंदर केस भी इन्होंने बहुत ही अच्छा, अच्छी क्वालिटी का रखा है। जो वाइट केस आते हैं वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो 15-20 दिन के बाद बिल्कुल डस्टिंग वाइज नज़र आते हैं। ग्रे कलर के जो है ना, मुझे बहुत पसंद है, इसमें ना कोई डस्ट वगैरह है ना कुछ, ऐसे ही ये काफ़ी अच्छे तक लगा रहे, तो कुछ भी नुकसान नहीं होता। तो इसके अंदर 2 कॉपीज़ होती हैं, उसमें वारंटी कार्ड तो ऑनलाइन होता है इसका, 2 कॉपीज़ होती हैं। एक कस्टमर दुकानदार के मेरे ख्याल में खुद रखता है, बाकी एक कस्टमर के लिए होती है, जो इस पर नाम वगैरह कुछ भी, यानी समथिंग कुछ भी बंदा लिख सकता है। तो हम इसको डब्बे में डाल लेते हैं वापस उसी तरह। तो इसमें एक और सिम की भी होगी। हाँ यार, सिम की इसकी होगी। सॉरी, बल्कि सिम की इधर ही रखी थी, मुझे शायद नज़र नहीं आई, इस साइड पर रखी थी। तो ये देखें, इसकी सिम की है।
इसका जो 665 प्रोसेसर उन्होंने रखा है ना, ये गेमिंग्स के लिए बहुत ही बेटर है। आप इसमें पबजी जिस तरह आजकल मशहूर है, उस पर आप देख रहे हैं, इस पर बहुत ही अच्छी ग्राफिक्स और बिल्कुल लैकिंग भी नहीं करेगी। बहुत ही अच्छा सेट बरल, मुझे बहुत पसंद है सेट वर्सेस रियलमी 5 से। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस प्राइस में ये सेट लेना चाहिए या नहीं, सेट मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इस रेट में आपको अच्छा सेट और कोई भी नहीं कंपनी, किसी भी कंपनी का नहीं मिलेगा इसमें। आप बिना सोचें ये सेट खरीद लें, तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।